14 अगस्त 1947 रात 12 बजे। ये वक्त पूरी दुनिया के लिए एक आम रात का वक्त था, लेकिन भारत के लिए ये एक नए युग की शुरुआत थी। हर तरफ खुशी की लहर थी, लोगों का हुजूम था, क्योंकि शुरुआत होनी थी एक साथ आगे बढ़ने की। लेकिन कुछ नेताओं और अंग्रेजों ने इस खुशी के मौके को करोड़ों लोगों के लिए एक गम का मौका बना दिया। मौका था बंटवारे का, एक देश का बंटवारा, बंटवारा भारत से पाकिस्तान के निकलने का। इस बंटवारे की नेताओं में भले ही खुशी होगी, लेकिन आवाम में दर्द था। बंटवारे का दर्द वो ही अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने इस दर्द को खुद सहा, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा हो, जिन्होंने अपनों को खोया हो, उनके दिलों में ये दर्द आज भी जिंदा है। देश का बंटवारा हुआ, दंगे हुए, कत्ल हुए। अगस्त का महीना है, इसी महीने में देश आजाद हुआ और इसी महीने में देश के टुकड़े हो गए। आज हम उसी दिन की बात करेंगे। चौदह अगस्त 1947, दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में तिरंगे को सलामी दी जाती है। पल न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए बेहद अहम था, क्योंकि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया था। अब यहाँ से भारत देश एक नई दिशा की ओर चलने वाला था। अंग्रेजों के खात्मे की ये कहानी 1947 की शुरुआत में लिखनी शुरू हो गई थी। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार को ये उम्मीद थी कि भारत बिना बंटवारे किए सुलह शांति के साथ आजाद होगा, लेकिन अफसोस ये उम्मीद टूट गई। और 3 जून 1947 को क्लेमेंट एटली को ऑल इंडिया रेडियो पर ये अनाउंस करना पड़ा कि सदियों से तितर बितर पड़े हिंदुस्तान को हमने यूनाइट किया और हमें उम्मीद थी कि ये एकता देश के आजाद होने के बाद भी बनी रहेगी, लेकिन हिंदुस्तानी नेताओं को ये मंजूर नहीं है, इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अब ब्रिटिश हिंदुस्तान का राजकाज दो सरकारों को सौंप दिया जाएगा। इसके फौरन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी देश को संबोधित किया और कहा कि ब्रिटिश सरकार ने देश के कुछ हिस्सों को भारत से अलग करने का प्रस्ताव दिया है और देश को आजाद करने की बात कही है। हमने उनकी ये बात मान ली है। हम खुश नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि देश के भविष्य के लिए ये फैसला सही है। 14 अगस्त की शाम नेहरू अपने 17 यॉर्क रोड वाले घर पर इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ बैठे हुए थे कि तभी एक फोन बजता है। फोन रखते ही नेहरू का चेहरा लाल पड़ गया था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों के पानी की सप्लाई काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे और जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। वो इंदिरा को बोलते हैं कि ऐसे में वो अपने 15 अगस्त के भाषण को कैसे दे सकते हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि वो देश की आजादी पर खुश हैं जबकि उनका लाहौर जल रहा है। तो इंदिरा कहती हैं कि आप अपने आज रात के भाषण पर ध्यान दीजिए। लेकिन नेहरू का मन अब उखड़ चुका था, पर फिर भी 11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में नेहरू की आवाज गूंजती है। ये वो भाषण था जिसे अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम उस वादे को पूरा करें। शायद पूरी तरह नहीं, पर कम से कम जहां तक हो सके वहां तक तो जरूर। आधी रात के वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और आजादी की नई सुबह में अपनी आंखें खोलेगा। सूरज की पहली किरण के साथ आजादी की पहली सुबह होती है, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, क्योंकि इस सुबह को पाने के लिए भारत के बहुत से वीरों ने खुद को कुर्बान कर दिया था। हजारों कुर्बानियों से मिली ये खूबसूरत सुबह एक खुशी तो लेकर आई थी, लेकिन इसी के साथ एक दर्द भरी दास्तां भी लिखने को तैयार हो रही थी। ये दास्तां लिखी जानी थी एक लकीर से, और वो लकीर थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। इस लकीर की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और लाखों लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। आजादी से पहले तक जो देशवासी एक दूसरे के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। इसकी शुरुआत हुई थी 6 अगस्त को, जब पंजाब के अमृतसर में 60 मुसलमानों का सरेआम कत्ल कर दिया गया। इसके दो दिन बाद यानी 8 अगस्त को लुधियाना के जलालाबाद के पास 74 सिखों का कत्ल कर दिया गया। ये खून खराबा अब रोज होने लगा था। हर रोज लगभग 100 लोग अपनी जान दे रहे थे।
1947 में अगस्त के पहले हफ्ते में ही अमृतसर की जमीन बेगुनाहों के खून से लाल हो चुकी थी। यह हफ्ता पूरे देश के लिए किसी जंग से कम नहीं था, वो जंग जिसमें अपने अपनों की ही जान ले रहे थे। लेकिन अब जो होने वाला था वो इससे भी भयानक था। दिल्ली से लाहौर के लिए पाकिस्तान की स्पेशल ट्रेन चलती है जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार के लोग मौजूद होते हैं। ये ट्रेन दिल्ली से तो सही सलामत निकलती है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो इस पर हमला हो जाता है। ये किसी भी ट्रेन पर हुआ पहला हमला था। इस हमले में एक बच्चा और महिला की मौत हो जाती है। खबर जब लाहौर पहुंचती है तो बदला लिया जाता है। अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से पहले तो लाहौर स्टेशन पर ही 43 हिंदुओं को मार दिया जाता है। और फिर जब 13 अगस्त को लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से अमृतसर के लिए ट्रेन निकलती है तो उसमें अमृतसर कोई भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचता है। ट्रेन लाशों से लबालब भरी हुई होती है, हर तरफ खून और लाशें ही थी। इसके बाद ट्रेन पर हमलों का ये सिलसिला आम हो गया। रोजाना लाशों से भरी हुई ट्रेन भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ रही थी, लेकिन 15 अगस्त को हुए एक हादसे ने पूरे देश के होश उड़ा दिए। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर आई उसमें सिर्फ और सिर्फ लाशें ही मौजूद थी। और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि ये तोहफा है पटेल और नेहरू के लिए आजादी का। इसके बाद दोनों तरफ कोहराम मच गया। दिल दहला देने वाला ये नजारा ये बताने के लिए काफी था कि बंटवारा कितना सही था। कल तक जो लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, आज वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। इस बंटवारे की वजह से हजारों लोगों को रातों रात पाकिस्तान से भारत आना पड़ा और वहीं हजारों लोगों को भारत से अपना घर बार, काम काज सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान भागना पड़ा। इस फैसले ने हजारों घर और परिवार तबाह कर दिए। बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। दोनों सरहदों को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गईं। आज हम बेशक उस मंजर को देख नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने वो खतरनाक मंजर देखा है वो उसे याद करके आज भी सहम जाते हैं। ये बंटवारा नेताओं को उस वक्त भले ही खुश कर देने वाला था, लेकिन इतिहास में ये किसी काले अध्याय की तरह याद किया जाएगा। 1947 में भारत के बंटवारे का दर्द सबसे ज्यादा महिलाओं ने झेला। अनुमान है कि इस दौरान 75,000 से 1,00,000 महिलाओं का अपहरण, हत्या और बलात्कार के लिए हुआ था। जबरन शादी, गुलामी के ये जख्म सब बंटवारे में औरतों के हिस्से में आए थे। वाकई 15 अगस्त की सुबह वो सुबह नहीं रही होगी जिसके लिए देश के वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद ने इस भारत का तो सपना नहीं देखा होगा। सोचिए उस दर्द की तासीर क्या रही होगी जिसने गुजियों की थाली और सेवैयों के डोंगों की अदला बदली रोक दी, जिसने हर शाम नुक्कड़ पर मिलने वाले दोस्तों की यारियां छीन ली, जिसने मुसलमान भाइयों से उनकी हवेलियां हत्या ली, जिसने हिंदुओं के लिए लाहौर की गलियों की रोशनी खत्म कर दी। किन लोगों ने किया ये सब? देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन देश के बंटवारे का ये जहरीला फैसला 18 जुलाई 1947 को ही ले लिया गया था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिली। इसकी नींव माउंटबेटन योजना ने रखी थी। इसमें देश की आजादी के बदले अंग्रेजों ने इसके दो टुकड़े करने की ठानी थी और इस काम के लिए चुना गया था लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को। वो रेडक्लिफ जो कभी भारत आए ही नहीं थे, जिन्हें ना यहाँ की संस्कृति की जानकारी थी ना तहजीब का इल्म था, जो सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने आ रहे थे, और उस वक्त शायद उन्हें भी ये नहीं पता था कि वो दुनिया का बेहद सिया फैसला लेने जा रहे थे। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी। उस समय लीग के लगभग सभी सदस्य मुसलमानों के ऊंचे तबके से आते थे और इसी तरह 1915 में बनी हिंदू महासभा भी हिंदुओं के ऊंचे तबके की ही संपत्ति थी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा RSS अपने अपने राष्ट्रों पर राज करना चाहती थी, जबकि कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का लक्ष्य आजादी पाना था। अब अगर एक देश के लिए लक्ष्य अलग अलग होंगे तो रहा मुश्किल तो होगी ही। इसके बाद पंडित नेहरू ने 1937 में मुस्लिम लीग के सदस्य को उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल करने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने चोट का काम किया। लीग में गुस्सा बढ़ रहा था। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ। इसमें वॉइसरॉय लॉर्ड वेविल के साथ देश के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। हालांकि ये सम्मेलन विफल रहा था। जिन्ना भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे,
ये वही जिन्ना है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। लेकिन कांग्रेस से नाखुशी के बाद जिन्ना ने अलग देश की मांग कर ली, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि भारत में मुसलमानों के साथ परायों जैसा बर्ताव हो रहा है। इसके अलावा बंटवारे की एक वजह ये भी मानी जाती है कि जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसलिए उन्होंने अलग मुल्क की मांग की। बंटवारे के पीछे असल राजनीतिक कारण क्या थे ये अभी तक क्लियर नहीं है। अंग्रेजों की डिवाइड एंड क्विट, नेहरू और जिन्ना की सत्ता के लिए बेसब्री, दो कौमों का सिद्धांत और पता नहीं कौन कौन से एक्सप्लेनेशन के जरिए इस ऐतिहासिक त्रासदी की वजह जानने की कोशिश की जाती है। बहरहाल कहानियां अलग अलग जरूर हैं, लेकिन दर्द एक है और वो दर्द है बंटवारे का, जिसका दर्द लोग अब तक नहीं भूल पाए हैं। सीमा रेखाएं तय होने के बाद लगभग 1,45,00,000 लोगों ने सीमा पार करके अपने नए देश में शरण ली। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। पंजाब और लाहौर ने सबसे ज्यादा दर्द सहा। आज भी ना जाने कितनी कहानियां अनसुनी हैं, आज भी ना जाने कितनी दास्तानों को लफ्ज नहीं मिल सके हैं। आंकड़ों की माने तो बंटवारे में 20 लाख लोगों की जान गई, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ा है। ट्रेनों में लाशों का जत्था, मोहल्ले में अगजनी और गांव के पलायन में गई जानों की ठीक गिनती कर पाना नामुमकिन है। और ऐसे ना जाने कितने हालात उस वक्त एक साथ गुजर रहे थे, उन सबको किसी एक कहानी में समेट पाना नामुमकिन है। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दर्द भरी कहानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या बंटवारा सच में सही था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें।